गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम ईवीएस का चैप्टर सेकंड रीड करेंगे। अभी तक हमने चैप्टर फर्स्ट रीड किया था कंप्लीट। चैप्टर फर्स्ट में क्या था? चैप्टर फर्स्ट था हमारा अवर बॉडी, मींस हमारा शरीर कैसा है, क्या वर्क करता है। आज हम चैप्टर टू रीड करेंगे जिसका नाम है माय फैमिली। फैमिली क्या होता है? फैमिली होती है परिवार। क्या होता है फैमिली? फैमिली होता है परिवार। परिवार किसे कहते हैं? परिवार जिसमें हमारे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, सब चाचा चाची सब होते हैं, उसे कहते हैं क्या? फैमिली। तो अब हम चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि फैमिली क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और फैमिली में कौन कौन आता है। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन मेक अ फैमिली। पेरेंट्स कौन होते हैं? माता पिता। चिल्ड्रन होते हैं कौन? बच्चे। माता पिता और बच्चे मिलकर क्या बनता है? एक परिवार। द मेंबर ऑफ अ फैमिली लिव टुगेदर इन अ हाउस। परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर जहाँ पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं घर। घर मीन्स हाउस। सम फैमिलीज आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ परिवार बड़े होते हैं और कुछ परिवार कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। When only parents and their children live together in a family, it is a small family. Small family क्या होती है? Small family जिसमें केवल parents और बच्चे होते हैं, means माता पिता और उनके बच्चे, वो क्या कहलाई जाती है? वो कहलाई जाती है small family. A small family is also called a nuclear family. स्मॉल फैमिली मीन्स छोटी फैमिली। छोटी फैमिली को हम दूसरे किस नाम से भी जानते हैं? न्यूक्लियर फैमिली के नाम से। व्हेन ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर, इट इज़ नोन एज अ बिग फैमिली। बिग फैमिली क्या होता है? बिग फैमिली होती है बड़ा परिवार जिसमें हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता, हमारे चाचा चाची और हमारे कज़न ब्रदर मीन्स चाचा चाची के बच्चे वगैरह जिसमें होते हैं वो कहलाती है हमारी बिग फैमिली मीन्स बड़ा परिवार। अ बिग फैमिली इज़ आल्सो नोन एज अ जॉइंट फैमिली। बड़ा परिवार क्या दूसरे नाम में क्या कहलाता है? जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली मीन्स जुड़ा हुआ परिवार जिसमें हमारे साथ में हमारे चाचा चाची, हमारे दादा दादी और हमारे जो चाचा चाची के बच्चे हैं मीन्स हमारे कज़न ब्रदर्स साथ में रहते हैं, उसे कहते हैं क्या? जॉइंट फैमिली। Sometimes children stay with only one parent, either a father or a mother, such as family is known as single parents family. कभी कभी ऐसा भी होता है जिसमें एक बच्चे या बच्चा केवल या तो माता के साथ में रहता है या फिर पिता के साथ में रहता है, उस फैमिली को क्या कहते हैं? हम सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिली मीन्स जिसमें केवल बच्चा या तो मम्मी के साथ में रहता है अपनी या अपने पापा के साथ रहता है। अब आते हैं हम रिलेशनशिप इन अ फैमिली। फैमिली में रिलेशनशिप कैसा होता है? रिलेशनशिप मीन्स क्या होता है? रिलेशनशिप मीन्स संबंध। पीपल इन अ फैमिली हैव सम रिलेशनशिप। परिवार के लोगों में कोई ना कोई संबंध जरूर होता है। वी नो डैट पेरेंट्स ऑफ अवर पेरेंट्स आर अवर ग्रैंड पेरेंट्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे जो पापा के माता पिता हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? दादा दादी मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स। अवर फादर पेरेंट्स आर अवर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। अवर मदर पेरेंट्स आर अवर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। हमारे
पापा के जो माता पिता हैं वो क्या कहलाए जाते हैं? दादा दादी। और हमारी मम्मी के जो माता पिता हैं वो क्या कहलाए जाते हैं? नाना नानी। तो फादर्स की साइड, फादर्स के जो पेरेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे? पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। और मदर के जो मींस हमारी मम्मी के जो पेरेंट्स हैं वो क्या कहलाए जाते हैं? हमारे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स मींस नाना नानी। अब आप सभी को यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और समझना है। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।